10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हफ्ते भर में एक ही बार खुल पाए बैंक। पिछले करीब एक हफ्ते में देश की बैंकिंग सेवा काफी प्रभावित रही है। 5 दिनों में एक बार बैंक खुलने के बाद आज बुधवार को फिर बंद रहेंगे। वहीं कुल 9 बैंक यूनियन ने बुधवार को हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम आपको बता दें, 21 से 23 दिसंबर को भी बैंक ने हड़ताल की थी। इसके बाद 24 दिसंबर को बैंक खुले थे। जम गई दिल्ली, 3.8 डिग्री हुआ तापमान, वायु प्रदूषण का भी संकट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ये इस सीजन का दूसरा न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली का तापमान 3.7 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं बुधवार सुबह तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। हवा की क्वालिटी गंभीर से सुधर कर वेरिप्योर की श्रेणी में आ गई है। सर्द हवाओं के चलने से हवा की गुणवत्ता में ये सुधार देखने को मिला है। 2019 में कैसे होगा 2014 जैसे 5000 प्रचार कार्यक्रम करेंगे प्रधानमंत्री। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को तैयार है। आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी 2019 को असम के बराक घाटी से सिचलर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में कराए जा सकते हैं, लिहाजा अब राजनीतिक दलों के पास जनवरी से मई तक का समय प्रचार के लिए बचा है। रामदेव बोले, राजनीतिक हालत बेहद मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता कि अगला पीएम कौन होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदले सियासी माहौल के बीच योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा कि देश के राजनीतिक हालत बेहद ही मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल हो सकता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तमिलनाडु के मदुरै में रामदेव ने कहा कि वो राजनीति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और न ही किसी का समर्थन या फिर विरोध कर रहे हैं। रामदेव ने कहा कि हमारा लक्ष्य सांप्रदायिक या फिर हिंदू भारत बनाने का नहीं है, हम दुनिया को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान लौटेगा इमरान, 10 साल से भोपाल के जेल में था कैद। भारत और पाकिस्तान भले ही बॉर्डर पर तनातनी और जुबानी जंग का सामना कर रहे हो, लेकिन आज बुधवार को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इंसानियत की मिसाल बनेगा। भारतीय नागरिक हामिद अंसारी के पाकिस्तान से वापस आने के बाद आज भारत भी पिछले 10 साल हिंदुस्तान की जेल में बंद एक पाकिस्तानी नागरिक को रिहा करेगा। फर्जी एयरपोर्ट के मामले में पिछले 10 साल से जेल में बंद मोहम्मद इमरान कुरैशी वापसी वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने मुल्क लौटेंगे।